स्वागत है आपका इस सेकंड वीडियो में जो हम बना रहे हैं सिखाने के लिए होटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हम जल्दी से समझेंगे कि आखिर इस पीएमएस के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है। तो मैंने इसके लिए एक लिस्ट बनाई है, अभी मेरे सामने वो लिस्ट रखी हुई है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है मैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर लिखता हूँ अभी। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम बोलेंगे, थोड़ा सा मैं इसका जरा इंक साइज बड़ा कर लूं, इसको बोलेंगे RACLS3। RACLS3 इसमें जो पहला आर है, एक्सक्यूज मी, पहला आर जो ये वाला है ये रिकॉर्ड के लिए है, दूसरा वाला जो ए है ये अरेंज करने के लिए है, फिर जो तीसरा वाला सी है ये क्लासिफाई और कंप्यूट करने के लिए है, एल का मतलब लिस्ट, और यहाँ पर एस थ्री मतलब यहाँ पर तीन एस हैं। सबसे पहला एस सॉर्ट करने के लिए, सेकंड एस समराइज करने के लिए, और सबसे आखिरी एस सेव करने के लिए। तो डेटा को रिकॉर्ड करना, अरेंज करना, क्लासिफाई और कंप्यूट करना, उसका डेटा का लिस्ट बनाना, फिर उसको सॉर्ट करना यानी छांटना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, लेटेस्ट फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट, इस प्रकार को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। समराइज करना यानी टोटलिंग करना, अगर कुछ आपका कोई डेटा है तो उसको टोटल कर देगा, जैसे किसी गेस्ट का बिल है तो सारे ट्रांजेक्शन्स को टोटल ऐड करके आपको फाइनल अमाउंट बता देगा, वो है समराइज। और सबसे आखिरी में है सेव। सेव यानी कि ये सारा डेटा आपके कंप्यूटर में या सर्वर में या क्लाउड में ये वहाँ पे सेव रहेगा ताकि इसको आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कि पीएमएस के फंक्शंस क्या होते हैं, याद रखिएगा RACLS3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपकी कोई सुझाव है, आपको उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस वीडियो में तो आप हमें प्लीज़ बताइए, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।